देखिए क्वेश्चन है, 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये यूपीएसआई क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो देखिए 30 खिलौनों का लागत मूल्य बराबर 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 30 कॉस्ट प्राइस बराबर 40 सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 40 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 30। तो यानी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 40 और सेलिंग प्राइस हो गया 30। उसके बाद कराया लाभ या हानि प्रतिशत, तो उसमें हमारी लाभ हो गया हानि होगी, यानी 40 का हमने खरीद रहे हैं 30 का बेच रहे हैं, तो उसमें लॉस हो गया हमको 10 का, तो 10 का लॉस हो गया हमको। उसके बाद कराया लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो ये प्रतिशत में पूछा है, तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो यानी लॉस परसेंट निकालेंगे हम, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, लॉस है हमारे पास 10 रुपये का और कॉस्ट प्राइस है हमारा 40 और इंटू में 100, जीरो से जीरो, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 से जब 100 में भाग देंगे 100/4 बराबर 25% हानि, ये होगा इसका आंसर, यानी उसको 25% की हानि हुई। क्वेश्चन है, अगर बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे बीते कल से पहले का दिन यानी हम मानते हैं आज का दिन, यहाँ पे हो गया आज का दिन, आज ये वाला दिन हो गया हमारा आज का। इसके बाद कह रहा है बीते कल से, यानी बीता कल हो गया एक दिन यहाँ पर, उसके बाद बीते कल से, बीता कल ये हो गया बीते कल से पहला दिन, यानी ये वाला दिन था शुक्रवार, बीते कल से पहला दिन था शुक्रवार, यानी ये वाला दिन शुक्रवार है, तो इस दिन हुआ शनिवार और इस दिन हुआ आज का दिन, यानी आज के दिन हुआ रविवार। उसके बाद कह रहा है तो सोमवार कब होगा, तो यानी जो अगला दिन आएगा ये वाला, ये होगा सोमवार, यानी जो आने वाला दिन होगा वो होगा सोमवार, यानी आने वाला कल, आने वाला कल ये होगा सोमवार, ये इसका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो संख्या बताओ। तो ये कह रहा है कि कोई संख्या है, संख्या मानेंगे हम, संख्या बराबर हो गई x, संख्या हुई x। तो ये कह रहा है यदि एक संख्या के 60% को, यानी इस संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो फिर यही संख्या प्राप्त होती है, तो ये संख्या क्या है, तो यानी x है हमारे पास और x का 60% यानी इंटू में 60/100, उसमें जोड़ दिया जाता है 120 प्लस 120, तो हमें जो परिणामी संख्या प्राप्त होती है वो होती है x, हमको x प्राप्त हो जाती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म, तो 2 से 5 बार जाएगा, 2 से आएगा 3 बार, तो यानी 3x/5 प्लस 120 इक्वल टू x, ये हो गया हमारा। तो क्या करते हैं हम x को इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले जाएंगे, तो यानी ये हो जाएगा जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 120 बराबर x माइनस 3x/5, तो 5 से x में गुणा करेंगे तो 120 बराबर आएगा 5×5 यानी 5x माइनस 3x यानी 5x माइनस 3x/5। उसके बाद 5x से 3x गए तो 120 बराबर हुआ 2x/5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 120 में, यानी 120 गुणे में 5 बराबर 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 600 बराबर, और 2 को ले जाएंगे इधर तो बट्टे 2 बराबर x, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से इसमें भाग देंगे तो 300, यानी x बराबर 300, जो 300 जो होगी ये होगी संख्या, मेन संख्या, ये होगा इसका आंसर, यानी वह संख्या जो है वो है 300, 300 का 60% में अगर 120 जोड़ा जाएगा तो हमको 300 ही प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन है, आर ने 10% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसे कर्ज चुकाने के लिए उसे कितनी राशि देनी होगी। तो देखिए जिसने 100 रुपये लिया है उसने कर्ज, और 2 वर्ष बाद उसको चुकाना है, और उसमें जो रेट लग रही है वो लग रही है आर 10% और टाइम है उसका 2 वर्ष। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मेन नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन हम क्या करते हैं
पी ब्रैकेट में 1 + r/100 t इस वाली फॉर्मूले से ना करके नए फॉर्मूले से करते हैं। तो देखिए पहला वर्ष मानेंगे यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम 100 रुपये पर पहले वर्ष में ब्याज लगाएंगे, तो 100 × 10/100, 100 से 100 खत्म, तो यानी उसके जो पहले वर्ष का ब्याज होगा वो होगा 10 रुपये। फिर अब हम चलते हैं दूसरे वर्ष पर, ये होगा हमारा दूसरा वर्ष, तो दूसरे वर्ष 100 रुपये तो हमारा मूलधन है, उसके बाद 10 रुपये उस पर ब्याज लग गई, तो यानी दूसरे वर्ष हो गया 110 × 10% ब्याज अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 11 एक ये हो जाएगा 11, यानी दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 11, पहले साल का 10 और जो दोनों साल का ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 21, लेकिन उसे कितनी राशि देनी होगी, तो उसको प्रिंसिपल जो था हमारा, ये प्रिंसिपल जो था 100 रुपये, ये यानी 100 + 21 ब्याज के, यानी P + R, ये हो जाएगा अमाउंट बराबर होता है P + R, तो अमाउंट बराबर होगा हमारा उसको देने के लिए 100 + 21, यानी 100 प्रिंसिपल हो गया, 21 हो गई ब्याज के, तो यानी उसको 121 रुपये उसको देने होंगे, ये होगा इसका आंसर, उसको धनराशि को चुकाने के लिए 121 रुपये देने होंगे। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कर सकते हैं। एन और के एक साथ कार्य करके 10 दिन में कार्य को कर सकते हैं, जबकि अकेले एन इसे 12 दिन में कर सकता है, तो के अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो देखिए क्या करते हैं हम, n + k, यानी इन दोनों जो मिलके करेंगे उस कार्य को वो करेंगे 10 दिन में, जबकि अकेले एन इसे केवल एन करे तो इसको करेगा 12 दिन में, तो क्या करते हैं हम कुल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल काम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क, तो 12 और 10 कैल्शियम जो लेंगे तो उनका कैल्शियम आएगा 60, 10 से इसमें देंगे तो इसमें जाएगा 6 बार, 12 से जाएगा 5 बार, तो जो एन और के दोनों की कार्यक्षमता है वो हो गई 6, केवल एन की कार्यक्षमता है 5। अब हमको के की कार्यक्षमता निकालनी है, तो इसमें क्या करते हैं इस दोनों में से इसको घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो केवल के की कार्यक्षमता आएगी, वो आएगी 6 में से 5 गए तो 1, टोटल काम है 60, तो के अकेला करेगा 60/1, यानी 60 दिन में, ये होगा इसका आंसर।